हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.2 ऑफ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ क्लास 8 मैथ्स. ओके, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन. सपोज वी हैव गिवन वन नंबर, हेयर वी हैव नंबर 14. मान लो कि सानू कोई नंबर उन्होंने दिता होना, जिदा मान लो 14 दिता है. उन्होंने कहना यदा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करो. की फाइंड आउट करना यदा सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंदा? ट्रिपलेट वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रिपलेट मीन्स होंदा है पेयर ऑफ थ्री. पेयर तो वैसे दो चीजा नूं कहिंदे, ग्रुप कह सकदे इहनूं, ग्रुप ऑफ थ्री. तीन चीजा के ग्रुप नूं असीं ट्रिपलेट बोलदे. इहदा मतलब कि जिहड़ा इस क्वेश्चन का आंसर होना उहदे विच सानूं तीन नंबर होने. ओके, जिहड़ा उहदे विच फर्स्ट आंसर होना ना, वह क्वेश्चन ही होना. जो क्वेश्चन नंबर दिता होना, फर्स्ट आंसर साडा उही होना. असीं दो नंबर होर फाइंड आउट करने. ओके, इहदे वास्ते साडे कोल फार्मूला है 2m. जिहड़ा फर्स्ट मैंबर है उह असीं लईदा 2m. सैकेंड होंदा m स्केयर माइनस 1, थर्ड है m स्केयर प्लस 1. नाओ क्वेश्चन इज 14. ठीक है, असीं की करना, हेयर 14 इज इक्वल टू 2m. इहदा मतलब फर्स्ट मैंबर जिहड़ा मैं तुहानूं कहा वह 14 होना, इहदा मतलब 2m है. हुण देखो m और 2 ए की है, नंबर एंड वेरीएबल, दोनों विच कोई सिंबल नहीं. इट मीनस दोनों की है मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ओके, असी m दी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 2 नूं इधर लियो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जूगा, ये कट जाऊंगे. 2 1 2 2 7 14. ठीक है, 7 आ गया m साडा, और m इक्वल टू 7 असी इदा लिख सकते, m आ गया 7 साडा. ओके, हुण असी की है, फर्स्ट साडा फर्स्ट मैंबर ही आ गया साडा. सैकेंड असी करना m स्केयर माइनस 1. उहदे वास्ते सानूं m दी वैल्यू चाहीदी सी, असी m कढ़ने वास्ते इहनूं कैलकुलेट कीता. ओके, m स्केयर माइनस 1 किन्ना हो जाऊगा? m किन्ना? 7. 7 स्केयर माइनस 1. स्केयर मीनस की है? स्केयर मीनस उस नंबर नूं असीं 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 7 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई करना. इस चीज़ च कन्फ्यूजन नहीं करनी. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मिसटेक करते पेपर च, वो की करते जब भी किसी नंबर का स्केयर दिता होंगे वो उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 का स्केयर कई बार 14 लिख देंगे. इस चीज़ का खास ध्यान रखना, 7 का स्केयर मीनस उस सेम नंबर नूं असीं 2 टाइम मल्टीप्लाई करना. 7 7 का 49, 49 1 माइनस 1 इज 48. सैकेंड आंसर आ गया साडा 48. फर्स्ट आंसर सानू दिता ही हुंदा, असी तीन आंसर कढ़ने, ट्रिपलेट कढ़ना. सैकेंड जिहड़ा असी फाइंड आउट कर लिया, थर्ड इज एम स्केयर प्लस 1. एम स्केयर असी हुणे फाइंड आउट किया, एम स्केयर किन्ना आया साडा? 7 का स्केयर. ओके, किन्ना आया सी? 49. इच हुण प्लस 1 कर देना, 50 आ गया साडा आंसर, आ गया ए 50. ए 3 आ गया. ओके, तुसी इहदी वर्डिंग लिख देनी. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रिपलेट इज केड़ी आ गए इतने लिख देने सारे 14, 48, 50. ओके, दिस विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट इज वन मोर एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज 18. वी हैव टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर 18. हेयर 18 इज इक्वल टू 2m, और इन्हों इदा भी लिख सकते 2m इक्वल टू 18. ओके, सब तो पहले तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इदा भी लिख सकते हो तुम फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी हैव 2m m स्केयर माइनस 1. वी हैव जनरल फॉर्म लिख सकते, वी हैव जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 2m m स्केयर माइनस 1 एंड m स्केयर प्लस 1. फर्स्ट मैंबर इज 2m, हेयर फिर तुम यह वर्डिंग लिख सकते, हेयर 2m इज इक्वल टू 18. हुण असीं m फाइंड आउट करना, m किन्ना आजूगा? 18 डिवाइडेड बाय 2, ये आजूगा 9. m आ गया 9, देयर फोर m स्केयर माइनस 1 किन्ना आजूगा? m स्केयर मतलब 9 द स्केयर. 9 स्केयर किन्ना आजूगा हुण? 81. इत्थे 18 नहीं लिख देना, 9 स्केयर मतलब 9 नूं 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ये आजूगा साडा 80. सैकेंड आंसर आ गया. नैक्सट आ गया m स्केयर प्लस 1, मीनस 9 स्केयर प्लस 1. तुसी डायरेक्ट ना लिखियो, तुसी इदां लिखियो, पहले 9 नूं 2 पर मल्टीप्लाई करना, फिर इहनूं प्लस करना. समझ गए? इदां तुसी कीता, कई बार मिसटेक कर दिंदे. 9 9 दा 81 प्लस 1 दैट इज 82. सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज
फर्स्ट मैंबर साडा किन्ना आया, मैं तुहानू कहा जिहड़ा क्वेश्चन है उही साडा फर्स्ट आंसर हुंदा 18। सैकेंड असीं कढ़िया एम स्क्वेयर माइनस वन दैट इज 80, नैक्सट आया 82। ओके, ये साडा आंसर आजूगा 18, 80 एंड 82।